हेलो फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप लोग जानेंगे कि पेटीएम पोस्टपेड क्या होता है और इसे हमें कब, कैसे और क्यों यूज करना चाहिए। तो भाई वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और साथ ही नॉलेजेबल होने वाली है, इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहना। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और भी ना जाने सिग्नल जैसे काफ़ी सारे मैसेजिंग ऐप को इस्तेमाल करते हैं, और अगर आप लोग इन सारे ऐप्स के रिगार्डिंग टिप्स एंड ट्रिक्स की जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप लोग एक बार SGG एडुकेशनल क्लास के चैनल को जरूर विजिट कीजिए। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर आपको ढेर सारी नॉलेजेबल प्लस टिप्स एंड ट्रिक्स वाली वीडियो देखने को मिल जाएगी, जो आपको इन सारे ऐप्स को इस्तेमाल करने में और भी ज़्यादा इंजॉय बढ़ा देगी। सो प्लीज़ एक बार जरूर से जरूर इस चैनल को विजिट कीजिए, वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर देना, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना यार, क्योंकि इन सभी कामों का एक भी पैसा नहीं लगता है। लेकिन हाँ, अगर आप सब्सक्राइब कर लोगे तो सबसे पहले आप तक ये वीडियो जरूर से जरूर पहुंचेगी। तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना और साथ ही बेल आइकन दबा देना। बात करते हैं मेन पॉइंट की। फ्रेंड्स, अभी मैं आपको पेटीएम पोस्ट पेड के बारे में कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ, क्योंकि अभी भी काफी सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें पेटीएम पोस्ट पेड के बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन यहाँ पर सवाल तीन तरह से आते हैं, यानी कि तीन तरीके से सवाल किया जाता है। काफी सारे यूजर सवाल करते हैं कि भाई पेटीएम पोस्ट पेड होता क्या है, पेटीएम पोस्ट पेड को कब यूज करना चाहिए, क्यों यूज करना चाहिए। तो ये तीन सवाल काफी सारे यूजर्स कमेंट करके पूछते हैं। तो भाई वीडियो में एंड तक बने रहना, आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी, क्योंकि आपके सारे कंफ्यूजन दूर आज इस वीडियो में करने वाला हूं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, अपने मोबाइल फोन में पेटीएम एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। अगर आपने इंस्टॉल कर लिया है तो उसे आप एक बार अपडेट जरूर कर लीजिए, क्योंकि ये जो फीचर है नए नए अपडेट में दिया गया है, तो आप इसे अपडेट जरूर कर लेना। अपडेट करने के बाद इसे ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद इस तरह का यूजर इंटरफेस दिख जाएगा। अब देखिए, यहां पर आपको सिंपली यूआई यहां पर आपको दिख रहा होगा, यानी कि यूजर इंटरफेस पेटीएम का बिल्कुल ही सिंपल कर दिया गया है, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी आप केयरफुली देखना, क्योंकि अभी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि आप किस तरीके से पेटीएम पोस्ट पेड का इस्तेमाल कर सकते हैं और आप इसे कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि काफी सारे यूजर्स को पेटीएम पोस्ट पेड का फीचर मिल चुका होगा लेकिन उसको इस्तेमाल करना नहीं जानते होंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, उससे पहले एक पॉइंट और क्लियर कर दूं, ये पेटीएम पोस्ट पेड होता क्या है। ठीक है, तो दोस्त मैं आपको बता दूं, आप लोगों ने सुना होगा अमेजन पे लेटर, फ्लिपकार्ट पे लेटर, क्योंकि इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। तो ये अमेजन पे लेटर क्या होता है, उसी हिसाब से यहाँ पर भी आप समझ लीजिए कि पेटीएम पोस्ट पेड क्या होता है। मान लीजिए अब यहाँ पर आपके सवाल का आंसर मिल रहा है, कब और क्यों यूज करना चाहिए, इसका आंसर आपको मैं दे रहा हूँ। ठीक है, मान लीजिए आप कहीं पर जा रहे हो और सडनली आपके मोबाइल का रिचार्ज उसी टाइम समाप्त हो जाता है, लेकिन आपको किसी इंपॉर्टेंट व्यक्ति से बात करना है या फिर पर्सनल पर्सन से बात करना है, लेकिन आप किसी से मोबाइल मांग भी नहीं सकते, कोई आपकी कंडीशन होगी, वैसा कोई सिचुएशन होगा, आप मांग नहीं सकते हैं, लेकिन आपको मोबाइल रिचार्ज करना है और आपके पास पैसे भी नहीं है, जैसे कि आप दुकान पर जाकर रिचार्ज कर सकते हो या फिर मोबाइल के थ्रू ही रिचार्ज कर सकते हो ऑनलाइन, तो क्या करोगे। ठीक है, या फिर कोई सामान परचेज करना है आपको ऑनलाइन, लेकिन आपके पास पैसे नहीं है और वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सामान है, प्रोडक्ट है, और आप उसे जब चाहो लेना लेना ही चाहो, मतलब कि मान लीजिए अभी उसकी जरूरत है, आज या कल परसों कभी भी, लेकिन उसकी जरूरत है यार, मुझे लेना ही लेना है, आज लो या कल लो, लेकिन लेना पड़ेगा, तो उस टाइम अगर पैसे नहीं है तो क्या करोगे। तो भाई उस सिचुएशन में आपको पेटीएम पोस्ट पेड का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि पेटीएम पोस्ट पेड आपको काफी काम आएगा उस सिचुएशन में। ठीक है, ये बात तो क्लियर हो गई, क्योंकि आपके पास पैसे नहीं भी है तो भी आप सामान परचेज कर सकते हैं ऑनलाइन या फिर किसी भी मोबाइल नंबर को रिचार्ज कर सकते हैं पेटीएम के थ्रू। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गई कब और क्यों का, लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिर में इसे हम कैसे यूज करें। ठीक है, तो दोस्त यहाँ पर जब आप पेटीएम एप्लीकेशन ओपन कर लोगे तो यूआई सिस्टम इस तरह का देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखेगा, जब आप नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन कीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा और नीचे आ जाना है, तो देखिए यहाँ पर लोन्स एंड क्रेडिट कार्ड्स वाले ऑप्शन में, यानी कि सेक्शन में आपको पेटीएम पोस्ट पेड का ऑप्शन दिखेगा ही दिखेगा। अगर आपको नहीं दिख रहा है ना, तो आप इस सर्च वाले आइकन पर क्लिक करना और यहाँ पर सर्च करना पेटीएम पोस्ट पेड, तो आपको यहाँ पर देखिए मिल जाएगा सबसे पहला ऑप्शन पेटीएम पोस्ट पेड, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, तो मैं इस पर क्लिक
कर देता हूं। तो थोड़ा सा मैं स्क्रॉल डाउन करता हूं, देखिए ये रहा, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इस तरह का यूजर इंटरफेस दिख जाएगा। अब यहां पर थोड़ा सा प्रोसेस है जो कि आपको करना ही पड़ेगा, तभी ये काम में आएगा, ठीक है। तो मैं यहां पर फिलअप कर देता हूं। जैसे कि यहां पर देखिए आपको चार स्टेप फॉलो करने हैं, जैसे कि योर डिटेल्स, ऑफर डिटेल्स, केवाईसी वेरिफिकेशन और एक्टिवेट पोस्ट पेड। ये चार स्टेप कंप्लीट हो जाएंगे तब आप इस स्टेप को यानी कि इस फीचर को यूज कर सकते हैं। तो यहां पर सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है पैन नंबर का, तो आप इस बॉक्स में पैन नंबर डाल दीजिए। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए जो आपके बैंक अकाउंट में है। उसके बाद यहां पर ईमेल एड्रेस डाल दीजिए। उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक कर दीजिए। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का पेज आ जाएगा। यहां पर देखिए आपका जो डिटेल है, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो चुका है। अब आपको सेकेंड स्टेप कंप्लीट करना है, जिसमें आपको अल्टरनेट मोबाइल नंबर मांगा जा रहा है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, वी नीड योर अल्टरनेट मोबाइल नंबर टू क्रिएट ऑफर फॉर यू। तो आप यहाँ पर अल्टरनेट कोई भी मोबाइल नंबर डाल दीजिए जो आपके पास हो और वो अवेलेबल हो, यानी कि बंद पड़ा हुआ ना हो, ठीक है, जो चालू हो, तो वो नंबर यहाँ पर आप डाल दीजिए। सो फ्रेंड्स, देखिए मैंने नंबर डाल दिया। उसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर देखिए क्रिएटिंग द बेस्ट ऑफर फॉर यू, यहाँ पर देखिए वी हैव कैप्चर्ड योर इंटरेस्ट, ठीक है। अब आपको क्या करना है, बैक टू होम पर क्लिक कर देना है। उससे पहले एक पॉइंट मैं यहाँ पर दिखा दूं यार, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, योर एप्लीकेशन हैज बीन रिव्यूड बट इज नॉट अप्रूव्ड एट दिस मोमेंट बाय आवर लेंडर पार्टनर, वी ओनली नोटिफाई यू व्हेन एवर वी हैव एन ऑफर फॉर यू। मतलब कि मेरे लिए ये ऑफर अभी अवेलेबल यहाँ पर नहीं है यार, क्योंकि पता नहीं क्यों नहीं है। मैं इनके टीम से कॉन्टेक्ट करूंगा तो पता चलेगा और आपको मैं क्लियर कर दूंगा। लेकिन दोस्त जैसे ही मुझे ऑफर आता है ना, तो मुझे यहाँ पर नोटिफाई कर दिया जाएगा कि आपके लिए ऑफर है। दोस्त मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपको 2000, 5000, 10000 का ऑफर मिलेगा, इससे ज्यादा का भी मिलेगा यार। तो इससे होगा क्या, मान लीजिए जैसे आप अमेजन पेलेटर में इस्तेमाल करते थे, आपको कोई सामान परचेज करना है तो आप सामान परचेज कर लोगे और उसकी कीमत अगर 500 रुपये है, कोई प्रोडक्ट की कीमत 500 रुपये है और आपके पास अभी पैसे हैं नहीं, लेकिन आप रिचार्ज करना चाहते हो या फिर आप प्रोडक्ट परचेज करना चाहते हो, तो इस पेटीएम पोस्ट पेड के थ्रू आप बिल्कुल ही आसानी से परचेज कर सकते हो। 100% गारंटी है, कर सकते हो, क्योंकि वहां पर पेटीएम पोस्ट पेड का ऑप्शन पेमेंट मेथड में आपको देखने को मिल जाएगा। जब आप कोई सामान परचेज कीजिएगा ना, तो ऑनलाइन पेमेंट कीजिएगा, तो वहां पर पेमेंट मेथड में आपको पेटीएम पोस्ट पेड का ऑप्शन दिख जाएगा और वहां से आप पे कर सकते हो। लेकिन हाँ दोस्त, यहाँ पर एक पॉइंट और क्लियर कर दूं ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो। मान लीजिए आज आपने कोई सामान परचेज किया और आज 4 तारीख है, तो आज से 30 दिन बाद आपको उस पैसे को पे करना होगा विदाउट इंटरेस्ट, यानी कि ब्याज एक भी रुपया नहीं लिया जाएगा। लेकिन मान लीजिए अगर आपने 500 का सामान खरीदा है, वो भी पेटीएम पोस्टपेड के थ्रू, तो आपको वो 500 के 500 लौटाने होंगे अगले 30 दिनों के अंदर अंदर, ठीक है। अदरवाइज अगर आप लेट कर देते हो तो आपको लेट फी भी देना होगा, ठीक है। जैसे कि वहां पर एक आपको चार्ट दिखाया जाएगा कि इतने रुपये से इतने रुपये तक का अगर आप यूज करते हो पेटीएम पोस्टपेड के थ्रू, तो आपको 5 रुपये लेट फी लेंगे। उसके बाद इतने से इतने पर करते हो तो आपको 10 रुपये लेट फी लगेंगे, ठीक है। जितना ज्यादा आप लेट करोगे, उतना ज्यादा आपको मल्टीप्लाई करके आपसे पेमेंट लिया जाएगा। और इसमें यह भी बताया गया है कि अगर आप लेट फी करके भी पैसे पेड नहीं करते हो, तो पैसा वसूलने के लिए आपके घर तक भी पेटीएम की टीम आ सकते हैं। इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपके घर तक अवश्य आ जाएंगे। इसलिए आप इसका यूज जरूर करें, जब आपको इमरजेंसी हो तब आप यूज करें। और हाँ, यहां पर मैं आपको बता दूं, उन लोगों का लक भी यहाँ पर काम करेगा, जैसे कि देखिए मुझे अभी ऑफर नहीं मिला, लेकिन कुछ यूजर्स को ऑफर मिलेगा यहाँ पर 2000 का, 5000 का, 10000 का, 20000 का, मतलब कि 1 महीने में आप 5000 का सामान परचेज कर सकते हैं, या फिर आप रिचार्ज वगैरह कर सकते हैं, या फिर किसी को 2000 का ही क्रेडिट मिलेगा, किसी को 10000 का क्रेडिट मिल जाएगा। लेकिन उस 10000 को अगर आप 1 महीने के अंदर खर्च कर देते हैं, तो 1 महीने के बाद उस 10000 को आपको पे भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप खर्च करके और भूल जाइए, जी नहीं, ऐसा नहीं होगा यार। लेकिन हाँ, आप यूज कीजिएगा अगर आपको एमरजेंसी हो, अगर आपको काफी आपके पास पैसे नहीं हो, लेकिन आपको कुछ ना कुछ परचेज करना है, रिचार्ज करना ही करना है, तब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट और क्लियर कर दूं, इसका एक डिमेरिट भी है। अगर आप चाहोगे कि मैं पेटीएम पोस्ट पेड के थ्रू बाहर से ऑफलाइन कोई सामान परचेज कर लूँ, या फिर उस पैसे को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करके पैसे को निकाल लूँ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप पेटीएम पोस्ट पेड के जो क्रेडिट है, उसके थ्रू सिर्फ पेटीएम में ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं उस रुपये का। पेटीएम से मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, पेटीएम से कोई सामान परचेज कर सकते हैं, गैस सिलेंडर बुक कर सकते हैं, टिकट बुक कर सकते हैं, ये सारा काम कर सकते हैं। जो भी फीचर पेटीएम में अवेलेबल है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप
फोन पे में चाहिएगा उस पेमेंट को ट्रांसफर करना, अपने बैंक अकाउंट में चाहिएगा उस पेमेंट को ट्रांसफर करना, तो ये पॉसिबल नहीं है। सिर्फ यही एक डिमेरिट है, लेकिन काफी सारे अच्छे अच्छे फीचर्स, अच्छी अच्छी सुविधाएं भी मिल जाएगी। तो दोस्त मुझे उम्मीद है अब आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी अगर आपके माइंड में किसी भी प्रकार का सवाल रह गया हो तो नीचे कमेंट जरूर कर देना। सॉरी दोस्त मैं आपको प्रैक्टिकली नहीं बता पाया क्योंकि मुझे ऑफर नहीं मिला हुआ है। तो आज बस इतना ही। सो आई होप फ्रेंड्स आज की यह वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी और साथ ही आपको नॉलेज भी काफी अच्छी मिल गई होगी। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन है उसे जरूर दबा देना, और अगर आप लोग मेरे को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा देना ताकि इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और हाँ, इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर जरूर कर देना ताकि और भी लोगों को इस टॉपिक के रिगार्डिंग जानकारी मिल सके। तो फिर मिलता हूँ आपसे फिर से किसी नेक्स्ट प्लस नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।